फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के एक बेहतरीन हेयर केयर DIY जिससे आप अपने बालों को काला, लंबा, घना, मुलायम बना सकते हैं। दोस्तों बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये वाला नुस्खा जो है वो सभी समस्या को दूर करेगा। दोस्तों आज के नुस्खे के लिए आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी की सभी चीज़ें आपको घर में ईजिली से मिल जाएगी दोस्तों। और जस्ट लाइक हेयर सीरम के जैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वाले पानी से जैसे आप अपने बालों को धोओगे ना, आपके बालों की जो कलर है वो अलग से शाइन करेगी, बालों का जो नेचुरल जो अक्सर कालापन हो जाता है वैसा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आज के इस नुस्खा को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सामग्री चाहिए होगा ये हमारा है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती दोस्तों चाय बनाने के साथ साथ ही इसका इस्तेमाल हम अपने बालों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे घरेलू नुस्खा में चाय का पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। चाय का पत्ती हमारे बालों को नेचुरली कलर प्रदान करता है, हमारे बालों को नेचुरली काला करता है, हमारे बालों को सिल्की शाइनी प्रदान करता है। दोस्तों चाय का पत्ती बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद आपकी सामग्री लेनी है मेथी दाना। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। फ्रेंड्स मेथी दाना में कहा जाता है गुणों का भंडार होता है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मेथी दाना हर तरीके से फायदेमंद होता है हमारे लिए। आप किसी भी प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए तो वरदान होता है। कहा जाता है मेथी का पानी से अगर आप अपने बालों को, या मेथी दाना के तेल से बना हुआ तेल से अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो बालों का टूटना झड़ना खत्म हो जाता है, नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं और जो बाल है जड़ से काला होना लगता है। दोस्तों तो बहुत ही ईजी से आपको बनाना है। आपको लेना है एक ग्लास के आसपास पानी, उसमें एक चम्मच आपको डालना है चाय का पत्ती और एक चम्मच डालना है मेथी दाना। इतनी सामग्री आपको चाहिए होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको डालना है नींबू। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने नींबू जो लिया है इसका ऑलरेडी जो रस है वो निचोड़ करके लिया है, यानी आपको लेना है नींबू का बचा हुआ छिलका। नींबू का बचा हुआ छिलका जिस तरह से हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, उसी प्रकार नींबू का छिलका हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों विटामिन सी से भरपूर होता है और इसके छिलके में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारे बालों के लिए वरदान होता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से खौला लेना है, मतलब अच्छे से गर्म करना है, जिससे ये सभी चीज़ों का जो गुण है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सबके सब इस पानी में आ जाए और आपका ये पानी जो बनेगा ना बिल्कुल ज़बरदस्त और एकदम मैजिकल पानी बनेगा। जब इस पानी से आप अपने बालों को धोओगे ना तो आपके बाल लंबे, घने, मुलायम, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। तो इस तरीके से आपको लगभग 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लें। उबालने से क्या होगा आप देख सकते हैं पानी का कलर बहुत ही बढ़िया हो गया है, जस्ट लाइक हेयर सीरम की तरह ये काम करना शुरू कर देगा। तो बस यहाँ पे आपको 8 से 10 मिनट तक उबालने के बाद इसको आप चाहे तो एज इट इज़ ठंडा कर ले, छोड़ दे, और उसके बाद आप छान सकते हैं या फिर पहले छान ले फिर उसके बाद इसको ठंडा करना है। यानी कि बालों में जब भी कोई चीज़ लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है, गर्म लगाने से हमारे बालों की जड़ें जो है कमज़ोर हो जाती है, इसलिए कोशिश करें हल्का गुनगुना रहे, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का गुनगुना। इस तरीके से आपने मैंने इसको छान लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर भी आया है और तेल एकदम मैजिकल वाला जो ये पानी बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो बस आपको जो है ये वाला पानी आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, जस्ट लाइक हेयर सीरम की वजह से स्प्रे करने के लिए जैसे स्प्रे वाला बॉटल आता है ना, स्प्रे बॉटल में भर के भी रख सकते हैं, या फिर जो मैं तरीका बता रही हूँ, सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लेना है, किसी भी शैम्पू से कर सकते हैं। मैं वैसे मैं बताती हूँ न्यूट का जिंजर शैम्पू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। घृत कुमारी का शैम्पू वो अच्छा होता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। शैम्पू कर ले, उसके बाद आपको जो पानी मैंने बनाया है उस पानी से अपने बाल को वॉश कर लेना है, रिंस कर लेना है। 10 से 5 मिनट तक अपने बाल में लगा रहने दे, उसके आप नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर ले, क्योंकि चाय का पत्ती डाला हुआ है तो बहुत बार क्या होता है कपड़े उसके बाद आपके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से बस उसके बाद वॉश कर ले। और दोस्तों आपको पहले बार के इस्तेमाल से फ़र्क दिखेगा, बाल आपके बेहद मुलायम, सिल्की शाइनी और मजबूत दिखेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इजी सा नुस्खा है, ट्राई कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा।
आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही अच्छे और खूबसूरत है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ DIYs ट्राई करती रहती हूँ दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।